गौरी समझने की कोशिश करो, इसमें दोनों बच्चों की भलाई है। काली यहाँ से गौरी कंट्रोल करो खुद पे। नहीं कंट्रोल कर सकते हम खुद पर। जब तक आप अपना डिसीजन नहीं बदलेंगे हम भी नहीं बदलेंगे, हम अपनी नस काट लेंगे। ठिकाने है या गई घास चरने? हाँ चलो इधर। हमें लगता है गौरी इस हालत में नहीं है कि वो ये डिसीजन एक्सेप्ट कर पाए, हमें पीछे हट जाना चाहिए। अरे चाची अंदर चलो। क्या कर रहे हो आप? अरे हमें हमें बंद क्यों किया? हमको एक बात बताओ कि ये सारा तमाशा खड़ा करके क्या सोच रही थी तुम? ये अपनी बात मनवा लोगी? हाँ अरे पगलेट, अगर ये सब कुछ करके अपनी बात मनवा भी ली ना तुमने तो अपनी साख पर बट्टा लगा दो कि जिंदगी भर का, समझे कि समझाएं? क्या कहेंगे लोग? हाँ कि अपनी जिद के चलते अपनी खुद की बेटी की परवाह नहीं की इसने। भूलो मत काली युग का पहला प्यार है तुम्हारे कारनामे तो किसी से छुपे है नहीं। दिमाग घूम गया ना उसका तो घर से धक्के मारकर बाहर निकालने में इतना नहीं हिचकिचाएगा युग। याद रखो नंदू इस दुनिया में नहीं है और काली अकेली है, समझी? ये और समझाएं। पर चाची जी अब हम आगे क्या करें? हर वक्त कुछ ना कुछ करना जरूरी होता है क्या? कभी कभी चुपचाप बैठकर सही मौके का इंतजार करना पड़ता है। हमारी बात को गांठ बांध लो बेटा जी। काली से मुकाबला तभी कर पाओगी जब इस घर में रहोगी, समझी? की गौरी इस घर में रहे या ना रहे पवित्रा को अडॉप्ट करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये सारे फसाद की जड़ तुम ही हो? हाँ ऐसा काहे बोल रहे हैं? हमने कुछ कुछ नहीं किया है भाई। हम तो एक काली के कहने पे नंदू को नैना का धर्म पिता बना रहे थे बस। तुम्हें नैना का केयरटेकर क्या बना दिया? तुम तो अपनी हद ही भूल गई ना। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा गेम खेला तुमने। उस बेचारी निकिता को फंसाने की कोशिश की। हाँ कोडियो, तुम्हारी वजह से मैंने, तुम्हारे वजह से भाई ने उस बेचारी पर शक किया, तुम्हारी वजह से वो जेल गई, तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट लड़की जेल गई, और इसकी वजह से सिर्फ तुम्हारी नहीं, उसकी नहीं, हमारी पूरी कंपनी की बदनामी होगी। हाउ कुड यू, हाउ डेयर यू? अब और नहीं। माई, माई सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, यहां ध्यान दो। माई, यहां ध्यान दो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। विश्वास नहीं होता सत्या, मम्मा मुझसे इतनी नफरत करती। देखा तुमने अरीना को माई समझकर कितना परेशान कर रही है। इतनी बुरी हूँ सत्या, तेरी शादी में इच्छा से